क्या आप लोग जानते हैं कि अगर आप इंटरनेट में कुछ सर्च करने के लिए गए हैं और किसी एक पर्टिकुलर चीज को सर्च करते हैं और उसके सर्च रिजल्ट जब आपके सामने आते हैं तो आप लोगों को पता है वो जो सर्च रिजल्ट होते हैं वो पूरे 100% में से 10% हिस्से के ही आपको दिखाए जाते हैं। 90% हिस्से के सर्च रिजल्ट आपसे छुपे हुए रहते हैं। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले उसके बारे में कभी पता नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज स्टोर रहती है डीप वेब और फिर डार्क वेब में। और बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि डीप वेब और डार्क वेब बहुत सेम चीज होती है, मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक ही चीज है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि डीप वेब और डार्क वेब में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक ऐसा इंटरनेट जिसे सर्फ करने पर आपको जेल हो सकती है, उम्र कैद हो सकती है, कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। एक ऐसा इंटरनेट जिसको आपने गलती से भी एक्सेस कर लिए तो आपको दुनिया की एक ऐसी डीपेस्ट डार्केस्ट जानकारी मिल सकती है जिसके बारे में नॉर्मल लोगों को नहीं पता है, लेकिन उसी के साथ साथ एक ऐसी सजा मिल सकती है जिसके बारे में आपने कभी इमेजिनेशन किए भी नहीं होंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो सजा आपको सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ही दे रही होगी, हो सकता है कि वो सजा आपको अमेरिकन सरकार या कैनेडियन सरकार या न्यूजीलैंड की सरकार दे रही हो। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डीप वेब और डार्क वेब की दुनिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं और आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर करने वाले हैं कि दरअसल ये चीज क्या है। बहुत बार आप लोगों ने इस चीजों का नाम सुने होंगे लेकिन इसके बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी नहीं होगी। आज के वीडियो से आप लोगों को अच्छी समझ आ जाएगी कि आखिर ये चीज क्या है और इसको सर्फ करना सचमुच में सेफ है या नहीं, या फिर सिर्फ ये एक अफवाह है। क्या डार्क वेब को आप भी सेफली एक्सेस कर सकते हैं, कोई तरीका है ऐसा? अगर जानना है तो बने रहिए अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और मैं हूं जिया। दोस्तों, आज हम आप लोगों को डार्क वेब के बारे में कैसी जानकारी देने वाले हैं जो आपको किसी ने भी नहीं दिया होगा। अब बहुत देर से मैं बोलता चला आ रहा हूं कि डार्क वेब के बारे में जानकारी दे रहा हूं, मैं देना शुरू करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी चीज को सर्च किए, मान लीजिए एक्स वाई जेड आपने गूगल सर्च किए, जो आपके सामने रिजल्ट आएंगे ना, नीचे लिखा रहता है कि शोइंग, शायद मान लो 10,000 रिजल्ट आपके सामने शो कर रहे हैं, लेकिन क्या आप लोगों को पता है वो 10,000 रिजल्ट जो है वो रियल रिजल्ट के सिर्फ 10% ही है। 90% हिस्सा डीप वेब में छुपा होता है। अब आप डीप वेब में ऐसी एक्सेस नहीं कर सकते। डीप वेब में आपको एक्सेस करने के लिए टॉर नाम का एक्सप्लोरर होता है, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है उसकी जरूरत पड़ती है। मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर तो एक अलग चीज है, ब्राउजर कह सकते हैं। टॉर नाम का एक ब्राउजर होता है जिसकी वजह से, जिसकी मदद से आप डीप वेब या फिर डार्क वेब में एक्सेस कर सकते हैं। आप गूगल क्रोम या मोजिला या फिर ओपेरा मिनी या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब की मदद से डीप वेब में एक्सेस नहीं कर सकते। जो .com और .in जैसी चीजें हैं ये डीप और डार्क वेब में काम नहीं करती। इसमें .onion, .nn कुछ ऐसी चीजें चलती हैं, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने डार्क वेब और डीप वेब को एक्सेस किए हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस ऐसा था कि वो दिल दहल गया। उनका एक्सपीरियंस उनका ये था कि जब वो जैसे तैसे करके एक्सेस कर लिए, वैसे तो इन सब चीज़ों को एक्सेस करना इतना ज़्यादा इजी नहीं होता, लेकिन एक बार अगर कर लिए तो उसमें आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें मिलेगी जो मतलब आपकी कई दिनों की नींदें उड़ा सकती है। ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताए। तो एक पर्सन है जिसने कोरा में लिखते हुए ये बताया था कि जब वो डीप वेब में गया तो उसके बाद वो अचानक से डार्क वेब में एक्सेस हो गया, एक वेबसाइट में क्लिक करने की वजह से। जैसे वो डीप वेब में गया, एक वेबसाइट उसके सामने आई, लिंक आई, उसमें क्लिक किया, वो डार्क वेब में चले गया। उसके बाद उसने वहाँ पे क्या देखा जिसकी वजह से उसने लिटरली वोमिट कर दिया। उसे ये दिखाया जा रहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोई इंसान को लेके बैठे हुए हैं और उस फोरम में वो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इसको कैसे मारा जाए। और कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि अगर इसको मार दिया गया है या फिर मार दिया जाए तो फिर इसके बाद इसके जो बॉडी पार्ट्स हैं किस तरह से पका के खाए जाएं तो टेस्टी लगेंगे। ये वो चीज होती है, इसके अंदर गंदी से गंदी प्रताड़नाएं की जाती है किसी भी इंसान या जानवर के ऊपर, गंदे से गंदे गेम्स खेले जाते हैं, गैम्बलिंग होती है बहुत खतरनाक, जो इलीगल होती है, खतरनाक चीजें, दवाइयां या फिर ऐसे केमिकल्स बिकते हैं जो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होते हैं। ऐसे मुंबई के कुछ लोग हैं, कुछ स्टूडेंट जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे, वो LSD नाम का एक केमिकल होता है, गंदा सा ड्रग्स होता है, उसको खरीदने के चक्कर में पुलिस वालों के द्वारा पकड़ाए गए, उनके चक्कर में वो डीलर भी पकड़ाया। खैर ये तो बहुत अच्छी चीज हुई, क्योंकि जो पुलिस वाले होते हैं उनकी भी नजरें हर वक्त डार्क वेब और डीप वेब में होती है। मैं आपको बताता हूँ दोनों में फर्क क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मेरा ये पूरा हाथ दिख रहा है ये पूरा इंटरनेट है, ये जो सिर्फ ऊपरी हिस्सा है मतलब मेरे पाम वाला हिस्सा है,
ये है वो हिस्सा जो हमें गूगल सर्च करने पर दिखाई देता है, नॉर्मल आप भी एक्सेस कर सकते हैं, मैं भी। उसके बाद जो इतना वाला पोर्शन है, इतना यहां से लेकर यहां तक का जो पोर्शन है, ये होता है डीप वेब। इतना इस डीप वेब को एक्सेस करने के लिए बहुत बड़ी वो तो नहीं चाहिए आपको, प्रख्यात नहीं बनना पड़ेगा उसमें, लेकिन हाँ अच्छे से बहुत बड़े एक्सपर्ट बनना पड़ेगा जब जाके आप डीप वेब में एक्सेस कर सकते हैं। उसके नीचे मतलब ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ होता है डार्क वेब, और डार्क वेब में एक्सेस करना तो लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, जो कि इंटरनेट की सबसे घिनौनी दुनिया कह सकते हैं वहाँ पर होती है। उसमें ना जाने मेरे बारे में क्या होगा, तो आपके बारे में क्या होगा, तुम्हारे बारे में क्या होगा, करना भी नहीं चाहिए ऐसी। शायद बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि डार्क वेब में ऐसी चीज़ें भी होती है कई बार, जो हमारे मोबाइल में कम सिक्योरिटी होती है, तो हमारी जो पर्सनल फोटोज़ होती हैं, जो वीडियोज़ होते हैं, वो लीक होकर डार्क वेब में स्टोर हो जाते हैं। जो हैकर्स होते हैं वो यही काम करते हैं, बड़े बड़े हैकर्स जो होते हैं वो डार्क वेब में एक्सेस करके हमारे सारे पैसे चुरा सकते हैं, सब काम कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा ईजी नहीं होता है। इल्लीगल पूरी तरह से ये होता ही है, क्योंकि भले ही आप सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए वहां पे जा रहे होंगे, आप सिर्फ देखने जा रहे होंगे, लेकिन ऐसा कोई नॉर्मल इंसान वहां पे देखने क्यों जाएगा? गंदी चीज है, मतलब क्यों देखने जाएंगे? अगर वहां पे कोई पर्सन ऐसी चीजें देखने के लिए जा रहा है, मतलब उसकी दिमागी स्थिति नॉर्मल नहीं है, वो मतलब साइको किलर कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। और ऐसे कुछ भी करने वाले इंसान को पुलिस इतनी आसानी से तो छोड़ेगी नहीं, है ना? क्योंकि जब तक आप मतलब ऐसी चीजें, आप किसी को मारने के बारे में नहीं सोचोगे, मतलब आप किसी को मरते हुए देख भी नहीं सकते। बिल्कुल, उसमें लीगल फिल्म्स भी होती है, ऐसी फिल्म्स जो पूरी तरह से इंडिया में बैन, या इंडिया क्या पूरी कंट्री पूरी दुनिया में बैन है, ऐसी कुछ फिल्म मार रहे हैं वैसे। हाँ, जैसे मैंने एक फिल्म का नाम बताया था द ग्रिफ्टर, तो ये कुछ ऐसी फिल्म्स होती है जिसे नॉर्मल दिमाग वाला इंसान देख ही नहीं सकता, देख लिया तो सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए इस तरह के वेब में एक्सेस करना बहुत ज्यादा गैर कानूनी और बहुत ज्यादा हार्मफुल भी हो सकता है आपके दिमाग के लिए, और जो लोग ऐसा करते हैं उनको सबसे पहले पकड़ना चाहिए। बिल्कुल, और जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि अभी जो टिकटॉक था वो बैन हुआ था, टिकटॉक को जब ओपन कर रहे थे तो एक गाइडलाइन लिखी आ रही थी गवर्नमेंट की, जो टिकटॉक वालों ने खुद ने अपनी वेबसाइट में डाल दी, ऐप में डाल दिए। वैसे ही जो डार्क वेब होता है, यानी आप कितनी भी कोशिश कर लें टिकटॉक में एक्सेस नहीं कर सकते इंडिया से, लेकिन डार्क वेब में भी यही सिस्टम है, आप कितनी भी कोशिश कर ले एक्सेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसमें एक्सेस करने के लिए आपको एक अलग लेवल का दिमाग, आपको एक अलग लेवल की एक्सपर्टीज चाहिए, जिसकी मदद से आप उसके अंदर घुस सकते हैं। पता नहीं ये टॉर ब्राउजर क्या होता है जिसकी मदद से आप घुस पाते होंगे। हम तो सोचना भी क्यों, जिसको नहीं करना उसको सोचना ही क्यों, इतनी गंदी। बिल्कुल, इसमें कुछ भूतिया तो नहीं होता, लेकिन इतना स्कैरी होता है जो सब कुछ, जो कर ही नहीं सकता वो उसके बारे में क्या सोचना है, उसके बारे में क्यों मतलब क्यों जाना वहाँ पे। सही बात है, इस टॉपिक में वीडियो बनाने का मकसद यही था, क्योंकि बहुत दिनों से बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स लोग हैं इंस्टाग्राम में और यहाँ पर मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि प्लीज डार्क वेब के बारे में बताइए, डीप वेब के बारे में बताइए, कि दोनों में फर्क क्या होता है ये बताइए। तो आई होप कि मैंने यहाँ पर कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया हूँ। डार्क वेब डीप वेब में एक्सेस करना बिल्कुल ही गलत है, और ना ही इनके बारे में हमें सोचना चाहिए। हमें जो चीज़ दिखाई जा रही है वो सब चीज़ें ध्यान रख के ही दिखाई जा रही है, और अगर कोई चीज़ छुपाई जा रही है तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान रख के ही छुपाई जा रही है। आई होप कि आपको समझ में आया वीडियो, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना ऐसे लोगों के साथ जिनके दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है इंटरनेट की दुनिया को लेकर। इंटरनेट जितना ही ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है, उतना ही ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदायक भी। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए दोस्तों, हम आपकी राय जानना चाहेंगे। कुछ भी सवाल, कुछ भी बात करना है तो इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरी भी है, जिया की भी, क्लिक करना, डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाओगे। मन नहीं है तो कोई बात नहीं, यहीं पर वेट करना, सब्सक्राइब की बटन दबा दो, बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में दबाना, हम जब भी नेक्स्ट टाइम आएंगे उसकी अपडेट तुरंत आपको मिल जाएगी। तो चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।